बट है, क्या आपको लगता है कि इंडिया ये कर पाएगा? पर नहीं, झूठी खबर है, इंडिया यार पागल हो गया, उसने प्रेडिक्शन अभी तक मौजूद है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो जम्मू कश्मीर को भी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का गिफ्ट दिया। जो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, यहाँ की ट्रेन की अपनी पटरियां नहीं पूरी रहती, हमारे रेलवे स्टेशन आप देख ले मतलब खंडर खंडर किस्म के हैं। तो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, अब आप देखें कि कौन सा इस्लामिक कंट्री नहीं है जो उनके कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड ना कर रहा। वहाँ क्रेडिट किसको जाता है? नरेंद्र मोदी की वजह है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। इंडिया के अंदर चल रही है बुलेट ट्रेन, इंडिया के अंदर चल रही है, हमने एक ऑरेंज लाइन खड़ी की, वो भी खसारे में जा रही है। इंडिया हर वो चीज कर दिखाता है जो हम सोच हमारे वहमो गमान में भी नहीं होती, जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। हमारी गवर्नमेंट के पास इतना डीजल इतना पेट्रोल नहीं है कि वो हमारी ट्रेनों को चला सके। मतलब वो एक एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं जैसे यूरोपीय कंट्री जोन जितनी भी है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? मैं ठीक, आमना आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। आज का सवाल जो है हम लोग करेंगे कि इंडियन रेलवेज में हम लोग हमेशा एक इनोवेटिव आइडियाज, एक इनोवेटिव न्यूज सुनते हैं, बट आज तो मैं भी हैरान हो गई हूँ क्योंकि अंडर वाटर ट्रेन आप मरीन लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे इन जस्ट 45 सेकेंड और आप 520 मीटर्स का सफर कर सकते हैं। I am personally surprised. तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अच्छा, पहले ना हम सुनते थे कि इस तरह की ट्रेन्स हमें यूरोप साइड पर देखने को मिलती हैं, और मुझे खुद भी हैरानगी हुई ये देखकर कि अंडर वाटर ट्रेन बनाएगी और उसके 6 मेजर जो हैं स्टॉप्स हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 520 मीटर्स का ये सफर ओनली 45 सेकेंड्स में जो है वो करेगी कवर, और एक मिनट भी नहीं लगेगा। मैं हैरानगी की बात थी जब मैंने ये खबर सुनी। आमना बिलीव करोगे कि उनका एक मेन स्टॉप बताया जा रहा था कि अगर हम बाय रोड उस स्टॉप से गुजरते हैं तो 1.5 घंटे की ट्रैफिक से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये ट्रेन हमें विद इन मिनट्स जो है इंडियंस को, मतलब हमें तो नहीं, इंडियंस को वहाँ से लेकर जाएगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इंडिया का रेलवे का निज़ाम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है और बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो रहा है। अभी अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है वो जम्मू कश्मीर को भी एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का गिफ्ट दिया जो कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली, कोलकाता और बॉम्बे के साथ कनेक्ट करेगी। क्योंकि देखें इंडिया जो है प्रोग्रेसिवली कितना टाइम टू टाइम वो अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली न्यूज देखी कि अंडर वाटर ट्रेन जो है मतलब एक ऐसी खूबसूरती है जो कि एक्वेटिक लाइफ को भी डिस्क्राइब करेगी। उन्होंने कहा कि जी हम अंडर वाटर ट्रेन जो है ना वो एक ग्लास टाइप सारा बनाएंगे जिसके थ्रू लोग अगर लाइक 45 सेकंड्स आप नीचे समुद्र के नीचे देख सकते हो आप कैसी दुनिया उनकी। मतलब वो एक एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं जैसे यूरोपीय कंट्री जो जितनी भी है। तो वहाँ के लोग भी बड़े खुश थे, और आपको मजे की बात बताऊं कि इंडिया जितना इन्वेस्ट कर रहा है अपने रेलवे के ऊपर वो उनको उतना, मतलब मैं कहती हूँ कि रिटर्न्स भी देते हैं ना, उनको अच्छी जो है आप कह लें कि उनकी मौशियत भी जो है बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं आमना आपकी आपके सवाल पे बाद में आता हूँ, अपनी थोड़ी सी मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैंने 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने एक पेशेंट कोई एक पामी से करवाई थी, एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, तो उससे मैंने पूछा था ये कि यार ये तब ये खबर नहीं आई थी, तो मैंने उससे पूछा यार कि ये इंडिया जो है अंडर वाटर ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है और इनोग्रेशन होने जा रही है, तो आपकी क्या थॉट है, क्या आपको लगता है कि इंडिया ये कर पाएगा? पर नहीं नहीं झूठी खबर है, इंडिया यार पागल हो गया, उसने प्रेडिक्शन अभी तक मौजूद है, आपको मैं भेज दूंगा, मैं लगा दीजिएगा। तो उसने मुझे कहा था कि ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है इस तरह की। तो आज जो आपने खबर दी तो मुझे दिली खुशी हुई यार कि पानी इन द ट्रेन, हाउ इट इज़ पॉसिबल, लेकिन इंडिया ने ये चीज़ कर दिखाई। इंडिया हर वो चीज़ कर दिखाता है जो हम सोच हमारे वहमो गमान में भी नहीं होती, जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते वो इंडिया कर देता है। अब बात हो आदित्य L1 की, चंद्रयान 3 की, अब देखें इस तरह के मिशन कोई आज तक लॉन्च नहीं कर पाया जो इसरो ने कर दिखाया। स्पार्को आप देख लें कि कितना पीछे है हम, हालांकि स्पार्को की हिस्ट्री उठा के देख लें और इसरो की उठा के देखें, जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जितना इसको सराहा जाए, जितनी इसकी तारीफ की जाए, उतनी कम है कि इंडिया हम हर सेक्टर में, हर एजुकेशन की बात कर ली जाए, आईटी सेक्टर की बात कर ली, हर लिहाज से इंडिया बहुत आगे जा चुका है। आपको क्या लगता है मैम? देखिए रेलवेज की जब हम बात करते हैं तो 1947 में रेलवेज का जो निज़ाम था वो हमने तब देखा था कि एक वॉर्न आउट निज़ाम जो है वो अभी तक पाकिस्तान तो चला रहा है उसी चीज़ को, लेकिन इंडिया की तरफ से जो इनोवेशन आ रही हैं, जो इंडिया की तरफ से अपग्रेड किया गया है रेलवे को, जो डेवलपमेंट नज़र आई है, मतलब वो बड़ी एक्सेप्शनल है। जब मैं अपने रेलवेज को देखती हूँ तो मेरी अकल और ज़्यादा हैरान हो जाती है कि वो कहाँ और ये क्या हो रहा है।
कहा जाता था कि रेलवे निज़ाम किसी वक्त में पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, लेकिन अब आप हमारे रेलवे के निज़ाम देखें, ऐसे बोसीदा रेलवे जो अंग्रेज छोड़ गए हैं वही पड़े हुए हैं। रेल की पटरियां जो है वो रात को नशेई आते हैं, उठाते हैं और भेजकर जो है वो नशा पानी करके सो जाते हैं। अब आप देखें जंग आलूद ट्रेन, बुरे हाल, वॉशरूम घंटों घंटों डिले, और पिछले साल शायद हमें सुनने भी आया था कि हमारी गवर्नमेंट के पास इतना डीजल इतना पेट्रोल नहीं है कि वो हमारी ट्रेनों को चला सके, लिहाजा सुनने में आया था कि शायद रेलवे के निज़ाम को बंद किया जा रहा है। आप देखें टिकट्स इतनी ज़्यादा हैं और आए दिन रेलवे में कोई ना कोई हादसा हमें देखने को मिलता है। लेकिन इंडियन रेलवे की बात करें तो आप देखें भाई, मैं तो कहती हूँ कि इंडिया के वारे न्यारे हो गए हैं। आप देखते हैं वंदे भारत इंडिया के अंदर चल रही है, बुलेट ट्रेन इंडिया के अंदर चल रही है, हमने एक ऑरेंज लाइन खड़ी की वो भी खसारे में जा रही है। अच्छा आपको क्या लगता है कि जब हम लोग बात करते हैं लाइक इंडिया ने जो ट्रेन तो चलो बनाई, अंडर वाटर भी बनाई, ओके एक्सेप्टेबल, सर 520 किलोमीटर इन 45 सेकंड्स, ये एक शॉकिंग मूवमेंट है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा शॉकिंग मूवमेंट है कि 520 मीटर 45 सेकंड में वो सफर तय करेगी। यार इतनी स्पीड, मैं कहता हूँ नरेंद्र साहब को सलूट है और मैं कहता हूँ कि दोनों हाथों से सलाम है, इतना बड़ा कारनामा उन्होंने सर अंजाम दे दिया। मोदी साहब ने बड़े, मैं कहता हूँ कि अगला उनकी आवाम भी ये चाहती है कि अगला वजीर आजम जो हो, अगला जो हमारा प्राइम मिनिस्टर हो वो नरेंद्र मोदी ही हो उसकी। When it comes to Pakistan, तो आप इसके अंदर क्या डिफरेंस देख रहे हैं? डिफरेंस ये है कि they have believed के फ्यूचर को प्रायोरिटी देनी ज्यादा जरूरी है। दुनिया सारी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ई सिस्टम की तरफ जा रही है, तो हमें भी जाना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, यहाँ की ट्रेन की अपनी पटरियाँ नहीं पूरी रहती, हमारे रेलवे स्टेशन आप देख ले मतलब खंडर किस्म के हैं, ऑरेंज लाइन बनी है जो सी मतलब इलेक्ट्रिकल है वो भी, लेकिन डेली बेसिस के अंदर मतलब आप देखो ना जितने मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी है जैसे वो यूज़ नहीं करते, लेकिन उसका बजट जो सा है ना वो इतना ह्यूज किस्म का था, उससे बेहतर था ये पाकिस्तान रेलवे के ऊपर लगा देता ज़्यादा बेहतरी आ जाती, क्योंकि वो डोमेस्टिकली पूरे मुल्क के अंदर घूमती है। और ये जो जैसे लाहौर के अंदर इसका मैं कहता 500-600 अरब रुपये का इसका बजट था, वही आप अगर रेलवे जो पाकिस्तान रेलवे है उस पर लगा देता शायद उसमें कुछ बेहतरी आती, और यही इलेक्ट्रॉनिकल अब सारा सिस्टम जो है ना पाकिस्तान रेलवे की तरफ शिफ्ट कर देता। मैं कहते हैं नो डाउट, मैंने ऑरेंज लाइन में पर्सनली सफ़र किया है, चाइना ने बड़ी अच्छी बनाई है, क्योंकि चाइना ने बनाई आके यहाँ पे पाकिस्तान में अंदर जो है वो एक लगता है कि आप किसी लैविश कंट्री में आ गए हैं, बिल्कुल आप पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन जिस तरह वहाँ पे लोग मतलब मैं कह रही हूँ कि घुसे होते हैं ना, मतलब हाल हो जाता है बुरा, मतलब लोगों में मैनर्स नहीं है कि लाइक कोई बड़ा है उसको जगह दें, धक्कम पेल हो रही होती है। और मज़े की बात यह है कि हमारी ऑरेंज लाइन में भी भिखारी सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। भिखारी आते हैं वो पता 40 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठोकर चौक से बैठते हैं, अनारकली स्टॉप पर उतरते हैं और पूरी ट्रेन में वो मांगते हुए जाते हैं और उनके वारे न्यारे हो जाते हैं जब किसी का वॉलेट या मोबाइल उनके हाथ लग जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, आपके ख्याल में जो हम लोग इंडिया की बात करते हैं 10 साल के टेन्योर के अंदर जो रेलवेज ने जो है डेवलपमेंट की है या जिस भी फील्ड को हम देख ले उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, इन सब का क्रेडिट आखिर किसको जाता है? ऑब्वियसली बात है, जो भी इकतदार में जो बैठा हुआ है, जो भी सिटिंग गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, तो उनको बेनिफिट, उनको इस चीज़ का सारा जो क्रेडिट जो था सारा उनको जाता है, मोदी को जाता है, क्योंकि मोदी ने पिछले 15 सालों के अंदर इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से रिवाइव की है। हम लोगों ने बुलेट ट्रेन चलती हुई देखी है, इलेक्ट्रिक ट्रेन तक देखी है, अब हम लोगों ने अंडर वाटर ट्रेन भी देख ली है। लेकिन अब अगर हम अपने रेलवे की तरफ आए तो एक क्वेश्चन मार्क हमें नजर आता है, उसके आगे हम कुछ देख नहीं पाते, क्या कहेंगे? हमारा रेलवे सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा है। ट्रेन का वक्त कुछ मुकर्रर होता है, टाइम कुछ डिसाइड होता है, ट्रेन लेट होती है या ये वाले मामला, और हमारी जो अगर देखा जाए टाइम को साइड में करके देखा जाए तो कोई ऐसा मैं समझता हूँ कोई ऐसा डब्बा नहीं होगा ट्रेन का इसमें जंग ना लगा हो। क्रेडिट किसको जाता है? नरेंद्र मोदी। ओके तो ये मेरा ख्याल है कि इंडिया की डेवलपमेंट का जो क्रेडिट है वो नरेंद्र मोदी साहब को ही जाता है। मैं कोई नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि उन्होंने जो डेवलपमेंट इंडिया के लिए कर दी है, वाकई में हमारे मुल्क को भी एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारे मुल्क के टेड़ों को जो है सीधा कर सके, हमारे मुल्क को हमारी कौम को राह रास्त पर ला सके। देखें हमने हमेशा इंडिया को, हमारी आवाम ने हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को तनकीद किया एक ही बात पर कि वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। अब आप देखें कि कौन सा इस्लामिक कंट्री नहीं है जो उनके कंट्री के साथ जो है वो ट्रेड ना कर रहा हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना कर रहा हो। भाई आप मुझे बताएं
कि यूएई के अंदर पिछले दिनों इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले हिंदू मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं, इससे बड़ी मैं कहती हूँ चपेड़ हमारे मुंह के ऊपर और क्या होगी। ये भी ये भी एक फैक्टर है जो मैंने नोट किया, खुद ऑब्जर्व किया है। तो हमारे रेलवे को इम्प्रूव करने की जरूरत है और डिजिटलाइज करने की जरूरत है। अब अभी भी हम मैनुअल सिस्टम पे चल रहे हैं, हमें टिकट परचेज करनी पड़ती है, ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। हालांकि दुनिया पता नहीं कहाँ पहुंच चुकी है, हर जगह डिजिटल सिस्टम है, आप ऑनलाइन अपनी बुकिंग करें और जाके वो जो रिजर्वेशन नंबर है वो दिखाएं और आप अपनी इजीली सफर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज अभी तक मैनुअल है, इस चीज पर हमें बहुत ज्यादा अफसोस है। ठीक है, इंडिया नरेंद्र मोदी साहब हम एक भी तनकीद करते हैं कि भाई वो तो चाय बेचने वाले हैं, तो मेरा ख्याल है 2-3 चाय बेचने वाले हम भी इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे मुल्क के भी थोड़े वारे नारे हो जाए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक मुखलिस लीडर है, मैं कहती हूँ ईमानदार लीडर है जो अपने मुल्क को लेकर चले हैं। आप 10 साल पहले इंडिया को देखें और 10 साल बाद इंडिया को देखें। लोग कहते हैं अगली सरकार इंडिया की नरेंद्र मोदी की इंडिया में आएगी, कहती हूँ मोदी आ चुके हैं, अगली सरकार भी उनकी है क्योंकि उन्होंने जितना काम अपनी आवाम के लिए किया है, हमारी तरह नहीं है कि महीना इलेक्शन का रिजल्ट ही नहीं आता और बाद में एक प्राइम मिनिस्टर को आपके सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है। देखिए जमहूरियत है वहां पे और ये पूरी दुनिया देख रही है।